हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल पनासिया। माय नेम इज भानु प्रताप। सो गाइस, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं उसके अंदर हम चार्ज का सीआरपीसी का एरिया प्रोसीड करेंगे। और 216 मैंने लास्ट में आपको कराया था सीआरपीसी का अल्टरेशन वाला पोर्शन, कि चार्ज को क्या अल्टर किया जा सकता है मजिस्ट्रेट के द्वारा। तो उसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी कि मजिस्ट्रेट चार्ज को अल्टर कर सकता है और कब तक कर सकता है, बिफोर द जजमेंट इज प्रोनाउंस्ड। दो चीज़ें थी। इसके अंदर एक पोर्शन बताना रह गया था कि जब कभी भी ऐसा चार्ज मैजिस्ट्रेट ऐड कर दे जिसके अंदर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती हो। आपको याद होगा डिस्क्रिप्शन में वैसे लिंक मैंने डाला हुआ है, पूरी प्लेलिस्ट है मेरी सीआरपीसी का, वहाँ से चेक कर सकते हैं ये वीडियो। जब मैंने सेक्शन 196 सीआरपीसी का आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको कुछ ऑफेंसेज ऐसे बताए थे, जैसे कि सेक्शन 124A सिडिशन वाला, जैसे कि 153A, ये सारे ऐसे ऑफेंसेज है जहाँ पे अगर मैजिस्ट्रेट को कॉग्निजेंस लेना है तो उसके अंदर मैजिस्ट्रेट को पहले सैंक्शन लेनी पड़ती है, या तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट की या फिर डीएम की या तो स्टेट गवर्नमेंट की, रिस्पेक्टिव अलग अलग ऑफेंसेज में अलग अलग कैटेगरी बनी हुई है। तो अगर मैजिस्ट्रेट 216 में कोई ऐसा चार्ज ऐड कर देता है जिसके अंदर सैंक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है तो उस चार्ज के ऊपर प्रोसीड तब तक नहीं किया जाएगा जब तक वो सैंक्शन ऑब्टेन ना कर ले प्रोसिक्यूशन। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो आज हम उसके आगे प्रोसीड करते हैं। सेक्शन 216 तो हम कर चुके थे, 217 से करते हैं। और मेरी जो भी वीडियोस हैं आपको सारी सीआरपीसी में लिंक मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। 217, रिकॉल ऑफ विटनेस व्हेन चार्ज अल्टर्ड। अब यहां पे ये लिंक है आपके 216 से डायरेक्ट, कि 216 के अंदर मजिस्ट्रेट ने चार्ज का अल्टरेशन किया। क्या अल्टरेशन का मतलब हमेशा चार्ज को ऐड करना है? नहीं, अल्टरेशन का मतलब कोई चार्ज को रिमूव भी कर सकता है इफ द मजिस्ट्रेट फील्स और इफ द मजिस्ट्रेट इज सेटिस्फाइड कि ये चार्ज यहां पे नहीं बनता, मजिस्ट्रेट उसको स्ट्राइक ऑफ भी कर सकता है। अगर मजिस्ट्रेट को लगता है इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट पढ़ने के बाद या जो भी कंप्लेंट आई है उसके बेसिस पे कि नहीं यहां पे चार्ज एक एडिशनल बनना चाहिए, तो मजिस्ट्रेट उसमें चार्ज को ऐड भी कर सकता है। और ये सारा प्रोसेस मजिस्ट्रेट जजमेंट के प्रोनाउंस होने से पहले कर सकता है। तो उसी को जब हम 217 से जोड़ते हैं तो 217 कहता है कि आपने चार्ज अल्टर कर दिया। अब अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि किसी विटनेस को रिकॉल करने की जरूरत है या रिसमन करने की जरूरत है उस अल्टरेशन के रिगार्डिंग या एडिशन के रिगार्डिंग जो आपने चार्ज में किया है, तो मैजिस्ट्रेट उस स्टेप को भी ले सकता है, पहली बात। दूसरा, कि क्या सेम विटनेस को ही दोबारा बुलाने की पावर 217 देता है? नहीं, 217 किसी नए विटनेस को, अगर आप चाहते हैं कि किसी फर्दर विटनेस को भी एग्जामिन करें तो आप उसको भी कर सकते हैं। मैजिस्ट्रेट इसके लिए भी अलाउ कर सकता है, मैजिस्ट्रेट के पास पावर है। आप एज अ प्रोसिक्यूटर अप्लाई कर लीजिए, एज एन एक्यूज आप अप्लाई कर सकते हैं और आप उसमें अलाउ कर, मैजिस्ट्रेट से अलाउ करवा सकते हैं। तो यहां पे इसको 217 को आप 216 से जोड़ेंगे। 217 का इस्तेमाल आपको तब करना है जब चार्ज अल्टर हुआ और अल्टर होने के बाद प्रोसिक्यूशन या एक्यूज को लगता है कि नहीं किसी फर्दर विटनेस को लाना है या फिर पुराने विटनेस का दोबारा से एग्जामिनेशन या क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो उस केस में 217 को इन्वोक किया जाएगा। ऐसा ही एक मिलता जुलता सेक्शन आपको सेक्शन 311 में मिलेगा, जो जनरल प्रोविजन एज टू इंक्वायरीज एंड ट्रायल है ना सीआरपीसी का। आप अगर 311 पढ़ेंगे तो 311 में भी आपको सेम सी बात लगेगी, लेकिन 311 का जो स्टेज है उसमें ऐसे डिफाइंड नहीं है कि जब चार्ज अल्टर होगा तभी वो होगा। वो एक जनरल सेक्शन है, वो ट्रायल के दौरान एक जनरल प्रोविजन पे डील करता है। वेयर एज जो सेक्शन 217 है ये आपका डील करता है कब, जब मैजिस्ट्रेट चार्ज को अल्टर कर देता है या मैजिस्ट्रेट चार्ज को ऐड कर देता है। तो आपको फर्क समझना पड़ेगा। 217 आपका अल्टरेशन के कंटेक्स में बात करता है कि प्रोसिक्यूटर या अक्यूज अप्लाई कर रहा है कि नहीं मैं जी नए विटनेस को बुलाना चाहता हूं या फिर उसी विटनेस को रिकॉल करना चाहता हूं, तो मैजिस्ट्रेट परमिशन दे देगा। लेकिन 311 एक जनरल प्रोविजन है, वो किसी भी स्टेज पे उस पावर को इन्वोक किया जा सकता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब हम इसी चार्ज के चैप्टर के अंदर एक नया पोर्शन पढ़ेंगे, जॉइंडर ऑफ चार्जेस। तो सबसे पहले मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर मैं केस सतवंत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब की आपको जजमेंट कराऊंगा, जो कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस की लैंडमार्क जजमेंट है। बहुत पुरानी जजमेंट है बट अभी तक ये इस्तेमाल होती है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब हम समझते हैं कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस का मतलब क्या है। आगे हम ना दो एरिया पढ़ेंगे, मतलब इस वीडियो में नहीं आगे की वीडियोज में, जॉइंडर ऑफ चार्जेस एंड ज्वाइंडर ऑफ पर्संस।
तो यहां पे हम बात कर रहे हैं अलग अलग एक्यूज्ड की, जिनका ट्रायल हम एक ही जगह पे कर लेंगे. दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट वन ट्रायल. यहां पे हम बात करें एक ही एक्यूज्ड पे लगाए हुए अलग अलग चार्जेस की, जिनका ट्रायल हम एक ही साथ कर लेंगे. फर्क समझिए, मैंने दो चीजें बताई आपको क्लासिफिकेशन में, जॉइंडर ऑफ चार्जेस एंड जॉइंडर ऑफ पर्सन. जॉइंडर ऑफ चार्जेस डील करता है कि एक एक्यूज्ड के ऊपर उसने अलग अलग किस्म के ऑफेंसेस कमिट किया, उसने ग्रीवियस हर्ट भी कॉज किया, उसने क्रिमिनल ट्रेसपास कॉज किया, उसने हाउस ट्रेसपास कॉज किया है, उसने और पब्लिक सर्वेंट को अपनी ड्यूटी करने से ऑब्स्ट्रक्ट किया, उसने वोट ऑफेंस भी कॉज किया. तो अलग अलग एक ही सीरीज ऑफ एक्ट में अगर वो अलग अलग काम कर रहा है, या फिर उसने मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी भी किया, स्टोलन गुड भी रखा हुआ था और थेफ्ट भी किया, बहुत सारी चीजें अगर साथ कर रहा है, तो एक ही एक्यूज जब डिफरेंट डिफरेंट ऑफेंसेस कर रहा है, देन वी विल सीक द पॉसिबिलिटी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ चार्जेस कि क्या हम डिफरेंट चार्जेस को एक ही साथ ज्वाइन करके, ज्वाइंडर करके, क्या उस एक्यूज का एक ही जगह पे ट्रायल कर सकते हैं, वन ट्रायल में काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. क्यों ऐसा किया जाता है उसको समझते हैं. कभी भी ज्वाइंडर ऑफ चार्जेस अगर होता है तो उसका जो पर्पस है वो ये है कि लिटिगेशन का जो प्रोसिक्यूशन का जो टाइम है, कोर्ट का इंपॉर्टेंट टाइम, उसको सेव करना. दूसरा, इससे एक्यूज को भी सहूलियत रहती है. एक्यूज को सहूलियत यह है कि एक्यूज को बार बार एक ही मैटर, मतलब बार बार चार चार केस, पांच पांच केस, छह छह केस में ट्रायल नहीं कराना पड़ेगा, एक ही ट्रायल के दौरान उसका सारा मैटर निपट जाएगा. वेयरएज जो जॉइंटर ऑफ पर्सन वाला केस है, जिसको मैं आगे 223 में पढ़ाऊंगा आपको सीआरपीसी में, उसके अंदर बात कर रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट पर्सन अगर किसी ऑफेंस में इन्वॉल्व है या किसी सेम ट्रांजेक्शन में इन्वॉल्व है, तो उनका डिफरेंट डिफरेंट ट्रायल करने से अच्छा उनका साथ में ट्रायल कर दो और उससे टाइम बचेगा. प्रोसिक्यूशन का, लिटिगेशन का जो टाइम है, कोर्ट का जो इंपॉर्टेंट प्रेशियस टाइम है, वो टाइम बचेगा. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन जॉइंडर ऑफ चार्जेस क्या होता है और जॉइंडर ऑफ पर्सन क्या होता है. अब आते हैं 218 में. देखिए 218 एक जनरल रूल ले डाउन करता है. मैं पहले ही बता दूं, जनरल रूल कह रहा है. हम आगे जो एक्सेप्शनल सेक्शंस पढ़ेंगे, मतलब आगे हम ऐसे ऐसे सिचुएशन पढ़ेंगे जहां पे चार्जेस को ज्वाइन किया जाएगा, बट अगर मैं एक जनरल रूल की बात करूं तो 218 पहले ही ये चीज डिफाइन करता है कि फॉर एवरी डिस्टिंक्ट ऑफेंस जो कि एक पर्सन कमिट करता है, देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज एंड फॉर दैट सेपरेट चार्ज देयर शैल बी अ सेपरेट ट्रायल. That you have to understand कि 218 इस चीज को पहले ही ले डाउन कर रहा है कि भैया मैं जनरली एक बात कह दूं कि हमारा जॉइंडर ऑफ चार्जेस करने का जनरली कोई नियम नहीं है. हम ये चाहते हैं कि अक्यूज को प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिले. अक्यूज ने अगर एक ऑफेंस किया, दो ऑफेंस किया, तीन ऑफेंस किया, तो अगर तीन ऑफेंस करता है वो, या एक से ज्यादा, मतलब दो करता है, तो दो ऑफेंसेस के लिए दो चार्जेस फ्रेम करेंगे और उसका दो ट्रायल करेंगे, सेपरेट ट्रायल. दिस इज अ जनरल रूल. आगे मैं सिनेरियो सिचुएशंस आपको बताने वाला हूं जहां पे जॉइंडर होगा, वहां पे लॉ उस चीज को परमिट करता है कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस कर दूं. अभी मैं जॉइंडर ऑफ पर्सन नहीं पढ़ा रहा, जॉइंडर ऑफ चार्जेस पढ़ा रहा हूं सिर्फ. तो एक एक्यूज जब विभिन्न प्रकार के ऑफेंसेस कमिट करता है, गुनाह करता है, तो जनरल रूल तो यही कहता है कि हम उसका सेपरेट ट्रायल करें. 218 सबसेक्शन 1 ये चीज ले डाउन करता है. बट अगर एक्यूज चाहे तो वो खुद अप्लाई कर सकता है राइटिंग में, मतलब राइटिंग में एक एप्लीकेशन दे देगा तो उसका जॉइंडर ऑफ चार्जेस हो सकता है और उसका ट्रायल एक ही उसमें हो जाएगा. सेपरेट ट्रायल कराने की जरूरत मुझे नहीं पड़ेगी. यह हुआ आपका 218. अब इसी 218 में सबसेक्शन 2 एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन, सबसेक्शन 1, शेल अफेक्ट द प्रोविजंस ऑफ 219, 220, 221, 223. नथिंग इन सबसेक्शन 1 शेल अफेक्ट द ऑपरेशन ऑफ 219, 220, 221, 223. क्यों ऐसा कह रहा है वो समझिए. ये कह रहा है कि जनरल रूल हमने ये ले डाउन कर दिया कि फॉर एवरी सेपरेट और सेपरेट ऑफेंस देयर शैल बी अ सेपरेट चार्ज और उस सेपरेट चार्ज के लिए हम सेपरेट ट्रायल कंडक्ट करेंगे. और हमने एक एक्सेप्शन सिंपल सा 218 में डाल दे कि अगर एक्यूज खुद से चाहता है और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि नहीं जी, एक्यूज के साथ कोई किसी प्रकार का प्रेजुडिस नहीं होगा, किसी प्रकार का इनजस्टिस नहीं होगा, तो मैजिस्ट्रेट उस केस में उसको जॉइंडर ऑफ चार्जेस अलाउ कर सकते हैं. एकदम सबसे सिंपल सिनेरियो. बट इसी के साथ हमने एक राइडर क्लॉज लगा दिया सबसेक्शन 2 में
कि 219 जो कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस पे बात करता है, 220 जो कि जॉइंडर ऑफ चार्जेस का एक्सटेंशन है, 221 सेम बात करता है, 223 जॉइंडर ऑफ पर्संस पे बात करता है। इसका मतलब कि 218 इन सेक्शंस के ऑपरेशन में, इन सेक्शंस की एप्लीकेशन में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बनेगा। 218 में जो बात लिखी है उस बात की एप्लीकेबिलिटी का इन सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। मतलब कि इन सेक्शन में अगर 219, 220, 221 में ये लिखा है कि वो सिचुएशंस, वो सर्कमस्टांसेस लिखी है जहां पे आप चार्जेस को कंबाइन कर सकते हो, जहां पे एक एक्यूज ने चार ऑफेंस किया है, तीन ऑफेंस किया, आप उसके चार्जेस को ज्वाइन करके आप उसका एक ट्रायल में काम चला सकते हो, तो उसमें 218 जो अभी मैंने आपको पढ़ाया वो किसी भी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। 218 इज सेपरेट, 19, 20, 21, 23 इज सेपरेट। दिस इज व्हाट सेक्शन 218 सबसेक्शन 2 इज सेइंग। ये चीज ध्यान रखना। नाउ अब आते हैं 219 पे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगली वीडियो जो बनेगी उसमें मैं सतवंत सिंह की जजमेंट कराऊंगा। मैं पहले ही बता दूं, थ्री ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड इन एन ईयर मे बी चार्ज्ड टुगेदर अब यहां पे ना एक चीज आप ध्यान रखना कि ये पूरा जो चैप्टर आप पढ़ोगे इसके अंदर, अभी जो मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर हर जगह ना आपको लैंग्वेज मिलेगी मे बी चार्ज्ड, शैल बी चार्ज्ड नहीं मिलेगी। 19 भी पढ़ाऊंगा मैं आपको, 20 भी पढ़ाऊंगा, उसके अंदर आपको ये चीज देखना कि मे बी चार्ज्ड। इनफैक्ट जब आप सीआरपीसी की इलस्ट्रेशंस को देखोगे तो वहां पे इलस्ट्रेशन इस तरीके से लिखी है कि सेपरेट सेपरेट चार्ज इन ऑफेंसेस में करेंगे, और फिर नीचे लिखा है कि एग्जांपल ए से लेकर एग्जांपल आई तक जो केसेस दिए हैं उसमें हम जॉइंडर मतलब सिंगल ट्रायल में भी काम कर सकते हैं, कर सकते हैं। मे बी देयर ऐसी पॉसिबिलिटी दर्शाइए कि ये सारे सिचुएशन आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन अगर मजिस्ट्रेट सेपरेट चार्ज कंडक्ट करना चाहे, सेपरेट ट्रायल कंडक्ट करना चाहता है तो सेपरेट ट्रायल भी किया जा सकता है। ये बात ध्यान रखना। नाउ अगर एक एक्यूज है उसने विद इन सेम ईयर, विद इन एन ईयर मतलब एक साल के अंदर 12 महीने ले लो आप, मैक्सिमम थ्री ऑफेंसेस किए हैं, मोर देन वन लॉ प्रिस्क्राइब करता है, 219 पढ़ा रहा हूं मैं आपको, मोर देन वन ऑब्वियसली अगर एक ही ऑफेंस किया होता तो एक ट्रायल में काम चल जाता, तब तो कोई झंझट ही नहीं थी, तो मोर देन वन की बात हो रही है और मैक्सिमम थ्री है। 219 का जो सबसेक्शन वन है उसमें नॉट एक्सीडिंग थ्री है, थ्री की लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है। तो लॉ कहता है कि अगर एक एक्यूज एक से ज्यादा ऑफेंस करता है और तीन मैक्सिमम मतलब दो या तीन ही हो सकता है, एक तो होगा ही नहीं, एक में तो सिंगल ट्रायल में काम चल जाता, और स्पेस जो है वो है विद इन द स्पेस ऑफ 12 मंथ्स, इसका मतलब एक साल के अंदर करता है, मतलब पहला ऑफेंस जब हुआ और आखिरी ऑफेंस जब हुआ, पहला फर्स्ट ऑफेंस, आखिरी मतलब थर्ड ऑफेंस, क्योंकि मैक्सिमम तीन की लिमिट प्रिस्क्राइब्ड, इस दोनों के बीच में 12 महीने के भीतर ही हो गया, मतलब यहां से यहां तक 12 महीने का ही पीरियड है, इसके अंदर अगर ऑफेंस कमिट होता है तो उस केस के अंदर हम उसको एक ट्रायल में भी काम चला सकते हैं। इसका मतलब ऑफेंस नंबर वन, ऑफेंस नंबर टू, ऑफेंस नंबर थ्री, इन तीनों का हम जॉइंडर ऑफ चार्जेस कर सकते हैं। लॉ ये कहता है हम इन तीनों का जॉइंडर ऑफ चार्जेस कर सकते हैं। पीरियड दोबारा समझ लो, 12 महीने के अंदर, 12 महीने कैसे काउंट करोगे, पहला ऑफेंस जो हुआ और जो आखिरी ऑफेंस हुआ, यहां पे तीन की लिमिट पहले से ही 219 सबसेक्शन 1 में तीन की लिमिट प्रिस्क्राइब्ड है, मोर देन वन बट मैक्सिमम थ्री, तो तीसरा ऑफेंस और पहला ऑफेंस के बीच में 12 महीने का गैप है, मतलब मैक्सिमम 12 महीने, उससे ज्यादा नहीं, तो तीन जो ऑफेंस कमिट हुए हैं उसका हम एक ट्रायल कर सकते हैं। और मैं फिर बता दूं यहां पे लैंग्वेज जो लॉ यूज कर रहा है वो मे बी चार्ज लिखा है, शैल बी चार्ज नहीं लिखा हुआ। यूजुअली मजिस्ट्रेट इसको करता ही है जॉइंडर ऑफ चार्जेस को, क्योंकि वो ज्यादा सहूलियत रहती है और टाइम भी बचता है। नाउ सबसेक्शन 219 सबसेक्शन 1 में एक टर्म जिक्र हुआ है, ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड। नाउ व्हाट इज दिस सेम काइंड, तो इसके लिए 219 सबसेक्शन 2 डील करता है।
कि ये सेम काइंड के ऑफ सेम ऑफेंस तो समझ में आता है, लेकिन सेम काइंड के ऑफेंस क्या है? तो ये कह रहे हैं कि सेम काइंड के ऑफेंस का मतलब है जो सेम सेक्शन ऑफ आईपीसी के अंदर पनिशेबल हो विद सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट। सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट, और स्पेसिफिकली ये तो सेम काइंड का डेफिनेशन है कि इन्होंने कह दिया कि भाई अगर किसी चीज को आप कहोगे कि ये सेम काइंड है, ऑफेंसेस दो ऑफेंसेस और वो सेम काइंड के ऑफेंसेस है, तो उसमें हम ये चेक करेंगे कि वो सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट हो रही हो और वो सेम सेक्शन ऑफ इंडियन पीनल कोड के अंदर फॉलो कर रहा है, या फिर कोई भी अदर स्पेशल लॉज जैसे अदर जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर भी अगर सेम सेक्शन में फॉलो कर रहा है और अगर सेम अमाउंट ऑफ पनिशमेंट प्रिस्क्राइब्ड है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो ऑफेंसेज ऑफ द सेम काइंड है एंड यू कैन डू द जॉइंडर ऑफ चार्जेस, आप उसके चार्जेस को कंबाइन करके एक ट्रायल में काम चला सकते हो। ये बात हो गई। अब इसके साथ एक चीज स्पेसिफिकली ऐड कर दी 219 में कि जो ऑफेंसेस 379 में पनिशेबल हैं आईपीसी में, सबसे पहले हम समझते हैं 379 में पनिशेबल क्या है। तो सिंपल जो थेफ्ट की पनिशमेंट है वो आपकी 379 में, ठीक है, और जो ऑफेंसेस 380 में पनिशेबल है, 380 में पनिशमेंट भी थेफ्ट की ही दी हुई है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये स्पेशल किस्म के थेफ्ट के ऊपर बात करता है। स्पेशल किस्म का थेफ्ट किस तरीके से हो गया, तो ये आपकी बात करता है कि अगर आप ड्वेलिंग हाउस में थेफ्ट करते हो तो आपको पनिशमेंट क्या मिलेगी। तो ध्यान रखना कि अगर आप 379 में मैक्सिमम पनिशमेंट देखोगे तो यहां पे मैक्सिमम 3 इयर्स की पनिशमेंट है, बट अगर आप 380 के अंदर ड्वेलिंग हाउस वाला थेफ्ट देखोगे कि जो मकान में लोग रहते हैं ऐसे मकान में अगर कोई बंदा चोरी करता है तो उस केस के अंदर अप टू 7 इयर्स की पनिशमेंट है, मतलब मैक्सिमम 7 इयर्स की पनिशमेंट है। तो 219 क्या कह रहा है, 219 कह रहा है कि इस वाले सेक्शन के लिए 379 में थेफ्ट करो या 380 में थेफ्ट करो, हम उसको ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड मानेंगे। ये बात ध्यान रखना, पहली बात। दूसरा, उसका अटेम्प्ट भी हम इसके अंदर जोड़ेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि अटेम्प्ट, अगर कोई चीज कमिट हुई है या उसका अटेम्प्ट हुआ है तो उसको साथ में ही कंसीडर कर लेते हैं, इसलिए कोई अलग अलग कंसीडर नहीं होता। और कहीं कहीं तो लिखा होता है कमिट, अटेम्प्ट और अबेट, अगर कोई अबेटमेंट करता है तो उसको भी साथ में ही कंसीडर कर लेते हैं। तो यहां पे वैसे तो मैंने आपको ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड का डेफिनेशन बता दिया, लेकिन एक चीज मैं इसमें राइडर क्लॉज क्या ऐड किया कि अगर 379 मतलब सिंपल थेफ्ट का ऑफेंस कमिट हुआ है और अगर 380 में ड्वेलिंग हाउस में ऑफेंस कमिट होता है, तो इन दोनों को हम ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड की कैटेगरी में ही डालते हैं। हालांकि इसमें पनिशमेंट के जो अमाउंट है वो अलग अलग हैं, बट हम इसको सेम काइंड के ऑफेंसेस में डालते हैं। और अगर इसका अटेम्प्ट है तो अटेम्प्ट को भी, अगर अटेम्प्ट भी ऑफेंस है तो हम अटेम्प्ट को भी कंसिडर कर लेते हैं। ये बात ध्यान रखना, 219 के अंदर प्रिस्क्राइब्ड है। तो आज मैंने आपको 219 तक कराया, 17, 18, 19 तीन सेक्शन हमने डिस्कस किए। कल मैं आपको जो वीडियो बनाऊंगा, कल मैं फॉर श्योर सतवंत सिंह पे बना दूंगा और मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड पे हम इस ट्रायल वाले एरिया को खत्म कर देंगे। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम टू मी, और मेरा चैनल देखो थोड़ा सा इंस्टाग्राम पे, यार थोड़ा सा फॉलोअर्स बढ़ा दो यार, इंस्टाग्राम पे बहुत कम फॉलोअर्स हैं।